भारतीय खुफिया एजेंसियों की मुस्तैदी ने एक बार फिर से पाकिस्तान के खूनी मंसूबों को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान का प्लान इस बार श्रीलंका के कंधे पर बंदूक रखकर हिंदुस्तान को निशाना बनाना था। श्रीलंका का एक मोहरा पाकिस्तान के हाथ लगा, वहां शरण ली और दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द आईएसआईएस के नाम के लिए काम करने लगा। फिर कैसे इसने हिंदुस्तान को अपने निशाने पर लेने का प्लान बनाया और क्या थी साजिश की पूरी रणनीति, एक एक कड़ी आपको खोलेंगे। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चार आईएसआईएस आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट से ये चारों आतंकी पकड़े गए हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट से चारों आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। बड़े हमले के प्लान में ये चारों आतंकी थे, श्रीलंका के रहने वाले बताए जा रहे हैं दहशतगर्द। तो आतंकियों के प्लान से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। आतंकियों को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है, यहूदी क्रिश्चियन बीजेपी आरएसएस के नेता यहां पर टारगेट पर थे। आतंकियों के फोन मैसेज से खुलासा हुआ है, यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टारगेट पर कौन था? यहूदी क्रिश्चियन बीजेपी आरएसएस के नेता इन आतंकियों के टारगेट पर थे। और यह खुलासा कैसे हुआ? इनके फोन मैसेज से इस बात का खुलासा हुआ है कि ये किसको टारगेट करने वाले थे। नहीं किया, लेकिन फिर धीरे धीरे जब इंट्रोगेशन किया गया तो इन्होंने कन्फेस किया कि ये लोग आईएस के मेंबर हैं। आईएस का इनका अबू नाम का एक हैंडलर है जो पाकिस्तान में रहता है, मूल श्रीलंकन है लेकिन कई वर्षों से पाकिस्तान में रहता है और आईएस का एक कमांडर है। टारगेट पर कौन था सर इनके? इसके बारे में इन लोगों को वेपन पिक करने के बाद में टारगेट इसके जो हैंडलर अबू द्वारा बताया जाना था, तो इनको हमने एयरपोर्ट से ही पिक कर लिया था। तो इनको जब वेपन की रिकवरी इनके पास से नहीं इन्होंने लिया था तो उसके कारण से अभी तक उनको टारगेट के बारे में पता नहीं है। बट कुछ है, जैसे कि एटीएस ने भी कहा, अपने प्रेस रिलीज में कहा है कि यहूदी क्रिश्चियंस बीजेपी आरएसएस लीडर्स, तो ये क्या उनके मोबाइल से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है? देखिए, हमने इनके मोबाइल का एनालिसिस किया है, उसके अंदर बहुत सारे हमें ऐसे चीजें मिली हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये लोगों का जो जनरल टारगेट है वो यहूदी क्रिश्चियन बीजेपी और आरएसएस के लीडर होने वाले थे, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष या स्पेसिफिक जगह के बारे में उसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया है। वो इनके हैंडलर द्वारा इनको हितेन बने हुए हमारे सहयोगी हमारे साथ। हितेन, क्या अपडेट अभी तक और कुछ खुलासे हो पाए हैं? अब बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से एटीएस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक तो आईएसआईएस के इंटरनेशनल टेररिस्ट है ये, हालांकि श्रीलंकन नागरिक है ये, ना हिंदी समझते ना अंग्रेजी समझते, श्रीलंकन तमिल बोल रहे, तो एक ट्रांसलेटर के जरिए पूछताछ जो एटीएस कर रही है, जो कुछ निकल कर सामने आ रहा है वो फिर क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है, इसीलिए एटीएस को काफी समय लग रहा है। हालांकि अब एटीएस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि जो वेपन्स एटीएस ने रिकवर किए थे अहमदाबाद में एक हाईवे के पास से, एक अननोन प्लेस से, वहां पर वो वेपन किसने रखे थे और उसका लोकेशन इनके फोन में आया कहां से, कि उसी लोकेशन से इनको वेपन्स कलेक्ट करने थे, तो लोकल सपोर्टर कौन था, किसकी मदद से ये आगे बढ़ने वाले थे, कहां जाने वाले थे, ये कहीं ना कहीं अब पता लगाना सबसे अहम बात है। क्योंकि देखिए, एक साल से लगभग एटीएस जो है वो इसी तरीके से आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पहली बार एटीएस को इंटरनेशनल आईएसआईएस के टेररिस्ट पकड़ने में एक सफलता मिली है, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि इनका आका भी खुद जो है वो श्रीलंकन नागरिक है लेकिन वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, अबू नाम का व्यक्ति जो इनको बताने वाला था। अब वो अबू कौन है वो भी इन्हें पता लगाना है, क्योंकि ये इतने सातीर लोग थे कि इनके पास चार लोग थे, चार लोगों के पास सिर्फ दो फोन था, दो में से एक फोन में ही सिम कार्ड था, एक में सिम कार्ड नहीं था, तो ये जब डार्कनेट से ये पकड़े जा रहे थे तो अलग अलग ऐप का इस्तेमाल करने लगे, या फिर पब्लिक प्लेस पर जो वाईफाई होता है उसका इस्तेमाल करते, जैसे एयरपोर्ट पर चेन्नई से, चेन्नई हो या अहमदाबाद हो, प्लानिंग यहाँ पर की गई थी, बहुत सोच समझ कर एक एक कदम यहाँ पर आगे बढ़ा रहे थे, इस बात से समझा जा सकता है